हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागॉजी। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद रिगार्ड टू स्टैटिक जीके, जिसमें आज कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। ऐसे में अलग अलग स्टैटिक जीके के पोर्शन की प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री या फिर और जो बाकी पार्ट हैं स्टैटिक जीके के, उनको आप रेफर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को मेरी पेड लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस में इनरोल कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। दोस्तों, सॉल्ट सत्याग्रह को डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो डांडी मार्च कंडक्ट किया गया था गुजरात में इन द ईयर 1930, और जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो उसके बाद उसकी कमान, उसकी लीडरशिप संभाली थी अब्बास तैयब जी ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है तो वो है दादा भाई नौरोजी। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द मेन एम ऑफ द कांग्रेस। दोस्तों, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक सेशन में जो कि कंडक्ट हुआ था लाहौर में इन द ईयर 1929। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा उठाई गई थी लाहौर सेशन में इन द ईयर 1929, और वो उसका एक मेन एम बन गया था। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह। दोस्तों, बरदौली एक जगह है गुजरात में, वहां पे हुआ ये था कि वहां पे एक फेमाइन आ गया था जिसकी वजह से लोग काफी त्रासदी से गुजर रहे थे, पर उसके बावजूद भी जो लगान एक तरीके से वसूला जाता था उसको 30% इंक्रीज कर दिया गया था, और इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कमान संभाली थी। और जो ये टाइटल है सरदार, ये टाइटल भी वल्लभ भाई पटेल जी को उसी बरदौली सत्याग्रह के बदौलत दिया गया था बाय द वुमेन्स, जो वहां की वुमेन थी बरदौली में, उस एरिया में उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था आफ्टर बरदौली सत्याग्रह। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गो बैक टू वेदास दिस कॉल वाज गिवन बाय। दोस्तों, एक स्लोगन आप कह सकते हैं दिया गया था बाय दयानंद सरस्वती जी, जो कि आर्य समाज के फाउंडर भी हैं, आर्य समाज के फाउंडर थे। इन्होंने ये स्लोगन दिया था कि वी हैव टू गो बैक टू वेदास, मतलब हमें वेदास को पढ़ना होगा, रिसर्च करना होगा और उनसे रेफरेंसेस लेनी होंगी। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द सत्याग्रह इन द ईयर। दोस्तों, महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह आंदोलन के लिए सबसे पहली बार अरेस्ट किया गया था इन द ईयर 1907, और 2 महीने के लिए उन्हें जेल के अंदर रहना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, द परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। दोस्तों, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल का मतलब ये था कि जमींदार को राइट्स दिए जाएंगे लैंड के ऊपर, और तब तक दिए जाएंगे जब तक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके थ्रू रेवेन्यू लाके देंगे। तो ये परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट का जो पूरा कंसेप्ट था वो बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और जब वीडियो एंड हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट मार्क किए, जिसके हिसाब से फिर मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा या कम कर पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज। दोस्तों, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो हमारे देश में चला था उसके फादर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, इनको इस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट की शुरुआत नींव रखने वाले हमारे देश में थे बाल गंगाधर तिलक। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज। दोस्तों, ICS नाम से थी, आज आप उसको जानते हैं IAS नाम से। तो पहले इंडियन सिविल सर्विसेज जो थी, सबसे पहले भारतीय बने थे जो इस सेवा में नियुक्त किए गए थे, सेलेक्ट हुए थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये रविंद्रनाथ टैगोर, जो फेमस पोएट भी रहे बंगाल से, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन लिटरेचर फॉर हिज वर्क गीतांजलि, ये उनके बड़े भाई थे। तो ये बात आप
याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको याद करके जाने हैं अगर आप BHU, PU, MHCET या DU की तैयारी करें। DU में थोड़ा कम पोर्शन पूछा जाता है पर बाकी एंट्रेंसेस में अच्छा खासा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ कॉम्यूनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। दोस्तों हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कम्युनल इलेक्टोरेट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू मॉल्डे मिंटो रिफॉर्म्स, जिसको मिंटो मॉल्डे रिफॉर्म्स भी कहा जा सकता है, इन द ईयर 1909। 1909 में कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में, और इसके माध्यम से कहा गया कि अगर कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है लोगों को तो उसके लिए जो वोटर्स होंगे वो भी खाली मुस्लिम ही होंगे। तो ये इसकी नींव रखी गई थ्रू मॉल्डे मिंटो रिफॉर्म्स इन द ईयर 1909। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी बिगैन फास्ट ऑन टू डेथ इन यरवडा जेल अगेंस्ट। दोस्तों गांधी जी ने एक तरीके से ये भूख हड़ताल जिसको कहा जाता है वो रखा था, वो फास्ट रखा था यरवडा जेल में जो कि है पुणे में। किसके खिलाफ रखा था? जो एक कॉम्युनल अवार्ड जिसका नाम था रैमसन मैकडोनल्ड अवार्ड, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो इसके खिलाफ में उन्होंने ये फास्ट ऑन टू डेथ रखा था यरवडा जेल में, क्योंकि वो कॉम्युनल इलेक्टोरेट के अगेंस्ट थे। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय। दोस्तों हमारे देश में सती प्रथा थी पहले, इसको खत्म किया गया बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और किस ईयर में इसको खत्म किया गया? इन द ईयर 1829। तो आपको ईयर भी याद रखना है और किसने इस प्रथा को अंत किया, खत्म किया, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया। तो दोस्तों हमारे देश में जो पहली ट्रेन चलाई गई वो चलाई गई इन द ईयर 1853 बॉम्बे और थाने के बीच में। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय। दोस्तों होम रूल लीग स्टार्ट की गई थी 1960 में, और किसने इसको शुरुआत किया था, किसने इसकी नींव रखी थी, वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत छाट के जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो आपके सामने रखे हैं, तो आप सभी के नोट्स भी बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड, व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वायसरॉय प्रोब। तो दोस्तों हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके ऊपर, एक तरीके से एक कमीशन बिठाया गया था ये देखने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस थे और कौन कल्प्रिट है। पर जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने फाइट किए हैं फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, वो इसकी रिपोर्ट के थ्रू खुश नहीं थे। तो बाद में एक और कमीशन बनाया गया जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के ऊपर, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। तो ये बात आप याद रखिएगा, हंटर कमीशन को किस लिए बनाया गया था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसके ऊपर सारी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि क्यों हुआ और कौन कौन लोग इसके गुनाहगार हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप एक तरीके से इसको सपोर्ट कर सकते हैं कि आप चैनल को अलग अलग ग्रुप्स में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि चैनल भी ग्रो होगा तो मेरे को भी और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोज अपलोड करने का। थैंक यू सो मच।